Hello friends, how are you? Hope you all will be fine. Today's session is totally based upon UPSC, SSC, Bank Bureau, English Speaking Course, IELTS, NDA, CDS, FCAT, CAPF, Navy, RIMS, SSV, Air Force, Rashtriya Military School, other competitive exams. Before start the session, I will request everyone kindly share, subscribe and like us. We have recently launched a pen drive course. If you want to buy our pen drive course, you may call on this number. 7009575019. If you have any doubt, you may write in the comment box. कमेंट बॉक्स में जो है आपने जरूर लिखना है. इससे क्या होगा कि आपके जो है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे. और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हैं, सीधा ही जो पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कंसेप्ट को क्लियर करना. तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, उसके बाद जो है आगे जो है उसको क्लियर करें, आगे जो है बढ़े. तो प्रीवियस वीडियोज को देखना बड़ा जरूरी है. जैसे हमने प्रीपोजिशन की फर्स्ट वीडियो बनाई, प्रीपोजिशन बेस्ड, तो प्रीपोजिशन की पहले फर्स्ट वीडियो देखें विच इज टोटली बेस्ड अपॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड है. उसके बाद जो है दूसरी वीडियो देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए. अगर बिना उसके आप आगे जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रूल्स को समझना. सो टुडे सेशन इज टोटली नेक्स्ट सेशन इज द फर्स्ट सेंटेंस द ओल्ड मैन हैज इनसाइट मेंस कैरेक्टर. क्विकली 10 सेकंड आंसर, क्विकली यू हैव टू आंसर इट. द ओल्ड मैन हैज इनसाइट मेंस कैरेक्टर ऑन इट अंडर बिटवीन बिहाइंड इनटू एट. सो व्हिच प्रीपोजिशन हैज टू बी द राइट, हैज टू बी द राइट यूसेज, बताइए. क्योंकि 10 सेकेंड्स. द ओल्ड मैन हैज इनसाइट डैश मेंस कैरेक्टर. तो यहाँ पे ओल्ड मैन, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज की बात कर रहा है. इट्स बीन चेंज फ्रॉम वन स्टेज. जब भी कभी दो कैरेक्टर की बात होगी, वेन एवर वी विल बी टॉकिंग इनटू जो है वो प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज करेंगे हम इनटू, क्योंकि जो है कैरेक्टर चेंज की बात कर रहा है ये. तो इट्स बीन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू इन टू. सो इन दिस सेंटेंस यू सी दैट इनटू विल बी यूजिंग ओवर हियर. So on, in, under, between, behind will not be using, at will not be using over here, into will be using over here, into will be the right usage over here. So right usage वो into हो जाएगा. So old man has insight into man's character. This will be the right answer. Into is जो है का के की form में भी use करते हैं, possession में है. सबसे पहले बात है कि ये possession में है. तो जब भी कभी possession की बात होगी तो वो into ही use करेंगे. That old man has insight into man's character. तो ये into जो है वो change हो रहा है, character जो है change हो रहा है, इसलिए into लगा है. Next देखते हैं क्या है. There are two books dash the table. So you have to answer it. Which preposition has to be used over here? On, in, under, between, behind, into, at. So there are two books dash the table. Quickly 10 second answer. The prepositions are on, in, under, between, behind, into, at. So you have to tell me which is the right answer over here. On, in, under, between, behind, into, at. So let's see. The books are two books dash the table. So it will be on the table. So on will be used over here. So before start on preposition, I just want to explain. On will be using in the sense of to express sense of place touching something. जहाँ पे जो है स्थान स्पर्श की बात होगी, स्थान जो place touching की बात होगी, वहाँ पे on use करेंगे. Along with it, we will be using जब भी को, जहाँ हिंदी में बोलते हैं को, पर, जो जहाँ पे को की बात होगी, पर की बात होगी, या टाइम एक्सप्रेसिंग विल बी यूजिंग ओवर हियर. ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, सो विल बी यूजिंग ऑन विद इट. अलोंग विद दैट, इफ आई हैव टू से आई हैव टू गो ऑन मंडे, सो ऑन मंडे विल बी द राइट आंसर. इफ आई विल हैव टू से ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, तो ये जो है ऑन की जगह इन मंडे, इन ट्यूसडे, इन मंडे इवनिंग, तो ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है ऑन विल बी द राइट यूसेज. वेन एवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइम सेंस, टाइम प्लेस टचिंग, समथिंग इज प्लेस टचिंग, देन विल बी यूजिंग ऑन. इसी तरह जो है ऑन को यूज करना है आपने बस के साथ, ट्रेन के साथ, एरोप्लेन के साथ, बिकॉज दिस इज अ प्लेस टचिंग. ऑन जो है वो स्कूटर, मोटरसाइकिल जो है, जब हॉर्स राइडिंग करते हैं तो हॉर्स की जो बैक है वो उसके ऊपर जो बैठते हैं तो ऑन होगा.
तो जब स्कूल स्कूटर राइट फुट पे चलते हैं, हॉर्स फुट पे ऑन फुट होगा तो हॉर्स बैक पे जो ऑन होगा यूज करेंगे, इसी तरह कैमल्स बैक, एलिफेंट बैक, तो इसी तरह बफेलो बफेलो बफेलोज बैक, तो इसी तरह ऑन यूज करेंगे। दिस इज द प्लेस टचिंग, सो वेन एवर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्लेस टचिंग थिंग देन विल बी यूजिंग ऑन अपॉन इट। सो इन द सेम वे लाइक ऑन इज यूज इन सेंस ऑफ टू वर्ड, यदि ऑन दिया हुआ है तो ऑन जो है सेंस के साथ टू वर्ड है, टू वर्ड के सेंस में लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ड्रू ए डैगर ऑन हिम, तो ड्रू ए डैगर मतलब एक रॉबर ने चाकू निकाला और जो उसकी ओर जो मारने चल पड़ा, तो टूवर्ड टूवर्ड का मीन्स भी यहाँ पे ऑन का वर्ड है। तो ऑन हैज अ वेरियस मीनिंग ओवर हियर एज पर सेंटेंस, वी विल बी सी दैट व्हाट विल आंसर ओवर हियर। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, सो ऑन द टेबल विल बी राइट आंसर ओवर, रेस्ट प्रपोजिशन अंडर बिटवीन बिहाइंड इनटू एट विल बी रॉन्ग ओवर हियर। नेक्स्ट इज He was carried a suitcase his head. So he was carried a suitcase his head. So it is clear that on will be using over here. Will be using on. He was carried a suitcase on his head. So rest preposition, this preposition will be wrong over here. On will be the right usage. Next is the headmaster is sitting dash a wheel. So quickly wheelchair. It's a wheelchair. The headmaster is sitting dash a wheelchair. So on the wheelchair will be right answer over here. On the wheelchair यहाँ पे आएगा, on आ जाएगा. So on preposition will be using over here. Rest preposition will be wrong over here. So right preposition usage is on. Next is he was dash a bus. So he was dash a bus. आपने देखा कि कैसे हमने प्रीवियस किया, तो ही वाज डैश, तो यहाँ बस की बात हो रही है। सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट बस की जब हम बात करेंगे, सो व्हेन एवर बस, एरोप्लेन, शिप, तो ये जो है ऑन ही विल बी स्पेस प्लेस टचिंग, सो ऑन विल बी यूजिंग ओवर हियर। ही वाज ऑन अ बस, सो ऑन द बस विल बी द राइट यूसेज। नेक्स्ट इज जो अदर प्रपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज ही वाज डैश अ साइकिल, so he was on the cycle will be right answer over here. On the cycle again place touching will be over here because he has to sit sit on cycle, so on will be place touching, it is will be on will be using over here. Next is he goes to college on his cycle, so on his cycle will be right answer, on his cycle will be the right answer. So इसी तरह आपने जो है, अगर if you need more time आप video को pause कर सकते हैं। Next is he walks on foot. जब भी whenever we will be talking about walk, foot, horseback, camel's back, so on foot. So he walks on foot. So if on foot will be right answer over here. On foot जो है वो right answer हो जाएगा. On foot. So on foot यहाँ पे आएगा. On will be the right preposition. Rest is wrong over here. On preposition will be right over here. Next is the robber drew a drake. It's a wrong over here. It's a dragger. D A double G E R. So it's right wrong written over here. I'm just making it correct. Dragger. So dragger spelling is the same as I have written over there. D A. It's a D A dagger. So robber drew a dagger. So on will be using. बिकॉज उसके ऊपर जो है उसने डैगर टू वर्ड मैंने बताया था आपको, एज आई टोल्ड यू दैट टू वर्ड इज सेंस इट टेल्स द डायरेक्शन, वेन एवर ऑन इज यूज इन द सेंस ऑफ टू वर्ड टू डोनेट डायरेक्शन वी विल बी यूजिंग ऑन। सो द रोबर ड्रू अ डायरेक्शन, सो इट हैज अ डायरेक्शन, जो है उसने जो रोबर ने डैगर जो निकाला है उसकी डायरेक्शन होगी, तो ऑन विल बी यूजिंग, ऑन विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे रेस्ट प्रपोजिशन सारे ही जो है आपके रॉन्ग हो जाएंगे, राइट प्रपोजिशन जो रहेगा वो ऑन रहेगा। The robber drew a dagger on him will be the right answer. Next is this book is a dash English grammar. So यहाँ पे क्या होगा, this book is dash on English grammar. So it is clearly mentioned over here. यहाँ पे जो है on आ जाएगा हमारे पास, ठीक है,
on jo hai, as I told you that on English grammar, this book is on English grammar. So on English grammar will be the right usage. So on will be using as a preposition whenever we will be talking about in the case of preposition. So on will be using over here. So on jo hai wo right usage hoega. ठीक है, जो on है वो right usage है यहाँ पे. This is a book. On will be on यहाँ पे लिख देते हैं on. This book is a नहीं आएगा यहाँ पे on English grammar will be the right answer. इसी तरह next जो है this book is on English grammar. My brother lives dash Jajur. So again जहाँ पे Jajur लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे lives की जगह क्या आएगा. My brother lives. So again this is previous preposition. So in जो है right usage है because in जो जहाँ पे जयपुर लिख देते हैं, अगर Jajur लिखा तो हम easy कर देते हैं इसको, जयपुर लिख देते हैं. तो जयपुर जो है जयपुर, तो आपने देखा कि lives in यूज होगा यहाँ पे. बिगर प्लेसेस के लिए भी हम इन यूज करते हैं. सो माई ब्रदर लिव्स इन जयपुर, सो इन विल बी द राइट यूसेज ओवर हियर. सो रेस्ट प्रेपोजिशन लाइक ऑन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ऑन वी कैन यूज, ऑन अंडर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बिटवीन भी रॉन्ग होगा, बिहाइंड भी, इन टू भी, एट भी. सो राइट आंसर विल बी ओवर हियर इन. सो माई ब्रदर लिव्स इन जयपुर विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज I live dash Musalpur hat. So Musalpur hat जो है वो नेम है. So it is again in will be using over here in. So यहाँ पे ये हमने first कर भी लिए हुए हैं. आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो हमने इसमें ये सारे कर लिए हुए हैं. माई सिस्टर इन लॉ लिव्स इन आएगा यहाँ पे इन दरभंगा. So next is he will reach at भी हमने कर लिया at 5 PM. He come at 6 o'clock ये भी कर लिया हुआ हमने. Milk sales at 40 a liter this is we have done. He got that at rate 50 we have done. At preposition use करेंगे यहाँ पे. The motorcycle is running at यहाँ पे जो है easy है. तो he is at work, at will be using over there, at use करेंगे हम. She is at play. तो ये तो हमने कर लिए हुए सारे. We live in India. India is in Asia. In preposition use करेंगे यहाँ पे. ये सब ये सारे preposition we have done in the previous videos. So I will request you to kindly see previous videos so that your concept will be clear. तो ये सारे हम कर चुके हैं. Her expenses are, so ये जो देख लेते हैं यहां से शुरू करते हैं जो हमने नहीं किए हैं. This book is so यहां से शुरू करते हैं. This is we haven't done. यहां से शुरू कर रहे हैं हम बिकॉज वी हैव कवर्ड दीज सेंटेंसेस इन प्रीवियस वीडियोस. सो आई विल नॉट, सो टाइम हैज टू बी सेव लिटिल बिट. सो द रोबर ड्यू ए ड्रैग जो अभी हमने किया उसके बाद देख लेते हैं. दिस इज अ बुक अभी हमने कर लिया. ऑन इंग्लिश ग्रामर विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज ऑन विल बी प्रेपोजिशन विल बी यूजिंग ओवर हियर. नेक्स्ट इज This book is on Phoolan Devi. So Phoolan Devi ये जो है एक, आपने Phoolan Devi जो है एक मूवी देखी होगी जिसमें एक करेक्टर प्ले करती है Phoolan Devi. ये एक वेस्ट बंगाल की वीडियो है जिसमें शी मिलिटेंट का शी वॉज मिलिटेंट एंड लेटर शी वॉज गुड एंड शी सरेंडर हर सेल्फ टू पुलिस. तो ये देखो दिस बुक इज ऑन Phoolan Devi. तो ऑन Phoolan Devi जो है विल बी यूजिंग ओवर हियर. राइट आंसर होगा ऑन होगा. तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है. ऑन, इन, अंडर,
बिटवीन बिहाइंड इन टू. सो ये सारे प्रेपोजिशन विल बी रॉन्ग ओवर देयर, ये सारे प्रेपोजिशन रॉन्ग हो जाएंगे. राइट प्रेपोजिशन ओवर देयर.